लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद पार्टियां मतगणना की तैयारी में लग गईं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी के आवास पर आगामी 23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चर्चा हुई। मतगणना के लिए योग्य पोलिंग एजेंटों की तलाश कर उनकी सूची बनाई जा रही है। मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, अब हम लोग चुनाव की काउंटिंग के एजेंट बनाया जा रहा है। हम लोगों ने चुनाव बहुत ही जिम्मेदारी से लड़ा है, रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, पार्षद संजीव सिंह सोनू, पिंटू तिवारी, अनिल सोनका, शैलेंद्र पांडे, जयंत पाठक, जितेंद्र राय, राजमन राय, रमेश राय, मार्कंडे सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, बजे गोरखपुर लगते 23 तारीख को पहुंच जाएगा। सारे लोगों को कागज मिल जाएंगे, अपना लेटर पैड मिल जाएगा, कलम मिल जाएगा। हम तली पिपराई को बुला दे रहे हैं, अपन लोगों का फोटो दे दीजिए, कहा चाहता हूँ उनको निकलने लिया तो हमारे अब हम लोग चुनाव के काउंटिंग के एजेंट बना रहे हैं बैठ करके, और चुनाव हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी से लड़ी है और रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। जो सर्वे आ रहा है उसको देख के क्या कहेंगे? सर्वे तो आप जानते हैं, जब छत्तीसगढ़ में हुआ तब ये सर्वे क्या था, वहाँ हमारी सरकार बनी, उन्होंने राजस्थान का जो सर्वे दिया था वहाँ क्या हुआ, मध्य प्रदेश का जो सर्वे दिया था वहाँ का, अच्छा उस सर्वे से कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, 3 का तो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ दे रहे थे कि इनकी कितना कम सीटें आ रही हैं, लेकिन देखिए सीटें कितनी बढ़ी हर जगह, तो सर्वे से कोई मतलब नहीं। वो तो मोदी जो है अपना मैनेज किए हुए हैं, मोदी करा रहे हैं।